जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। क्योंकि बापूजी जेल में हैं, लेकिन बापूजी की शक्ति तो साधकों के अंदर है, बापूजी की कृपा तो साधकों के घर में है, साधकों के हृदय में है। उस कृपा को, उस शक्ति को कोई जेल में रोक नहीं सकता, वो शक्ति तो सर्वत्र विद्यमान है। और उसी शक्ति का आज एक चमत्कार यहाँ पर हमको देखने को मिला कि आज मंडप के बाहर 12 साल के बाद भी मंडप के बाहर आज संख्या यहाँ पर दिखाई दी है। ये पितृपक्ष है और यहाँ पे अपर पक्ष महालय श्राद्ध इसको बोला जाता है। और हर साल बापूजी के आशीर्वाद से, इनकी कृपा से, इनके जो जो भक्त है, जो साधक है, वो हर साल इसी तरह पे यहाँ पे आके अपने पितरों को तृप्त करने के लिए यहाँ पे ये सामूहिक तीर्थ श्राद्ध यहाँ पे उनके लिए होता है। तर्पण होता है, पिंडदान होता है, फिर यहाँ पे सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था भी यहाँ पे हर साल रहती है। और इनकी कृपा है कि हर साल जो आते हैं उनसे भी ज़्यादा हर साल उनके भक्तगण, उनके जो साधक वो बढ़ते रहते हैं। और यहाँ पे आके अपने पितरों की मुक्ति के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए यहाँ पे आके उनके लिए श्राद्ध करते हैं, पूजा करते हैं और उनको पिंडदान देते हैं। कितने सालों से विधि कराने आते हैं? मैं तो करीबन 20-25 साल मुझे हो गए जब से शुरुआत हुई थी। शायद मुझे पता है पहली बार मैं भी आया था शुरुआत करने के लिए, तो तभी से आज तक यहाँ पे 20-25 साल से हर साल ऐसे ही भक्तगण और इतनी संख्या में, और दर हर साल बढ़ते रहते हैं और सब ये अपने पितरों की मुक्ति के लिए यहाँ पे आके पिंडदान उनके लिए करते हैं। 12 साल से आसाराम जी बापू जेल के अंदर है, तो क्या लग रहा है, मतलब भक्तों की संख्या में कोई कमी दिखी? क्योंकि आप तो 25 साल से आ रहे थे। कोई कमी नहीं। दरअसल उनका जो भक्तगण है वो वैसा का वैसा ही है और ज़्यादा उनके भक्त बढ़ते जाते हैं। जैसे सबको पता लगता है कि भाई ये गलत हुआ है इनके साथ, उनको फंसाया गया है, तो वो सब सुनने के बाद सब लोगों का जो भक्तिभाव है उनके प्रति ज़्यादा बढ़ गया है। और हर साल ज़्यादा से ज़्यादा भक्त यहाँ पे उनके लिए यहाँ पे आते हैं, उनके दर्शन के लिए आते हैं, उनके आश्रम में आते हैं। जो कार्यक्रम हर साल होते हैं पूरे साल में, वो सभी सालों में भी ये सब उनका चलता रहता है। मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ और आज के बापू के प्रेरणा से हम इधर पे आए हैं। हमारे जो भारतीय संस्कृति है, जो हिंदू धर्म का आगे का सनातन धर्म की जो परंपरा चली आ रही है पिंडदान की, उसे हम आज के युवाओं को प्रेरित करेंगे कि वो परंपरा आगे बढ़ाए, इसलिए हम आज इधर पे आए हैं पूर्ण परिवार के साथ। जैसे कि हर साल सर्वपितृ अमावस्या के निमित्त
बापू जी के आश्रम में श्राद्ध की विधि कराई जाती है। 15 दिन श्राद्ध चलते हैं, किसी कारण से हम कोई श्राद्ध नहीं कर पाए हैं या किसी में कोई कमी रह जाती है, भूल चुक हो जाती है, तो आज सर्वपित्री अमावस्या के निमित्त यहाँ पर आते हैं। तापी नदी का किनारा है, गुरु जी की व्यासपीठ सामने है, बापू जी का सत्संग भवन है, गौशाला है, देसी गाय हैं यहाँ पर, इनके सानिध्य में और अच्छे पंडितों को बुलाकर यहाँ विधि विधान के साथ अच्छे ढंग से श्राद्ध की विधि कराई जाती है। उसी निमित्त आज यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं। ये पूरा पंडाल बड़ा वाला भर गया था। हाँ बिल्कुल, पूरा पंडाल भर गया था, बाहर भी पब्लिक बैठी थी, तो श्राद्ध के निमित्त यहाँ पर पूरी संख्या में हमको दिखाई दिया। क्योंकि बापूजी जेल में हैं, लेकिन बापूजी की शक्ति तो साधकों के अंदर है, बापूजी की कृपा तो साधकों के घर में है, साधकों के हृदय में है। उस कृपा को, उस शक्ति को कोई जेल में रोक नहीं सकता, वो शक्ति तो सर्वत्र विद्यमान है। और उसी शक्ति का आज एक चमत्कार यहाँ पर हमको देखने को मिला कि आज मंडप के बाहर 12 साल के बाद भी मंडप के बाहर आज संख्या यहाँ पर दिखाई दी है। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज़ इंडिया पर।